सुनाओ शेर क्या सुनाओ तो एक सुना दो यार। अरे दिल उसको दीजिए जो दिलदार यार। अरे वीडियो बना लो यार मेरी है तो सुना दो ना। दिल उसको दीजिए दिलदार यार हो, हिंदू हो या मुसलमान, कदर राम यार हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेलकम बैक। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट देव राजपूत हमेशा की तरह अपनी शरीके हयात के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एंजॉय दिल से। तो दोस्तों आज का व्लॉग है कुछ खास जी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने डियर नियर को, वो भी दिल से। तो दोस्तों आज के व्लॉग में हमने अपना रूटीन चेंज किया है दोस्तों। कैसे? और डेली रूटीन है जिसको हमने थोड़ा सा बदल दिया क्योंकि मौसम के हिसाब से भी, और अभी कुछ समय से बीमार चल रहे हैं उसके हिसाब से भी हमने रूटीन को किया चेंज क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं साहब की, और रात भर हमें आती नहीं है नींद और सुबह हम उठ जाते हैं जल्दी। तो रूटीन हमने चेंज किया, रात को शीरो को ले जाते थे, अभी कर दिया उसका टाइम सुबह। तो दोस्तों मैं तो हूँ तैयार, और मैं भी, और बेगम भी है तैयार, और हमारा शीरो भी कर रहा है इंतजार। तो दोस्तों देर किस बात की, तो फिर हमेशा की तरह हम और आप चले चले एंजॉय दिल से। अरे सुबह सुबह इतनी प्यारी नींद में कौन जगाने आ गया, देखते हैं भाई चलो। अरे ये तो लाला जी हैं। ना चाय मिल रही है, ना कुछ हो रहा है, ये कोई बात है यार। हेलो, किससे बोल रहे हो? अरे इससे बोल रहा हूँ। इससे? इससे क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो इससे? तो बोल रहा ना मैडम चाय पिला रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं हम थोड़ी बन। नोट तो कमा रहे हो? हाँ एकदम कमा रहे हैं। अच्छा नहीं ये नहीं, हाथ नहीं लगवाएगा, नहीं लगवाएगा। तुम कुत्तों के पास रहते हो ना, इसके दुश्मन के पास रहते हो तुम, इसलिए काटे का वाले है, इसलिए काटे का वाले। हाँ शेर तो सुना दो, एक शेर तो सुनाओ। शेर क्या सुनाओ तो एक सुना दो यार। अरे दिल उसको दीजिए जो दिलदार यार। अरे वीडियो बना लो यार मेरी है तो सुना दो ना। दिल उसको दीजिए दिलदार यार हो, हिंदू हो या मुसलमान, कदर राम यार हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों आज से हमने मॉर्निंग रूटीन बनाया है दोस्तों शीरो को ले जाने का। ऑटो आ चुका है, अविनाश भैया आ चुके हैं, शीरो वेट कर रहा है, देखिए कितना एक्साइट है। बैठो बैठो बैठो, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, पानी लेके आओ। शाबाश शाबाश, बैठो बैठो। सुबह सुबह मॉर्निंग पे निकले हैं, कौन 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 निकले मॉर्निंग? हमारे शीरो साहब जाते रूटीन का राइट, नाइट का रूटीन कर दिया खत्म हम लोगों ने, और उनको सुबह का रूटीन बनाया है दोस्तों। सो के उठे हैं, टाइम आंखें अभी खुले भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और अब से ये जा रहा है मॉर्निंग कैसे है ना। तो दोस्तों सुबह के बजे अभी 9 बजे हम लोग सो के उठे हैं, देखिए दोस्तों चाय पी और निकले, लोगों के काम धंधे हो गए हैं शुरू, और हम जा रहे हैं अभी शीरो को घुमाने। वेज तो बिरयानी लग चुकी है जी, सोया चाप लग चुका है दोस्तों, स्ट्रीट फूड वो भी दिल से। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए जलवायु टावर के पास, तो चलते हैं शीरो साहब को घुमाने, अंदर ले लीजिएगा भैया। हेलो करना, तो यहाँ पर बाकी सब भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और ये शीरो दौड़ाओ इसे, इसे बोला गया दौड़ाने को, दौड़ता नहीं है ये। बहुत बड़ा पार्क है ये, आधा किलो फली ले लो, और कुछ लेना तोरी के अलावा? वो पीछे वाले खीरे ले लो, खीरे 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 वो, हाँ हाँ ये खीरे क्या कैसे दिए? 50 रुपए किलो, आधा किलो ले लो। कितना लो? ये अलग है वो अलग है, ये कितना लो? आधा किलो ये, हाँ आधा किलो। और अदरक भी ले लेना, अदरक कर दो, ये तो करो आधा किलो फली कर दो, और 20 रुपए की अदरक कर दो। ये आधा किलो, एक किलो
तो गाइस शीरों को घुमा चुके हैं अभी हम लोग और जलवायु टावर के पास है और अभी भी हमने सब्जी दोस्तों फ्रेश सब्जी आती है यहाँ पर सीधी खेतों से वो भी ली हमने और आप घर की ओर जा रहे हैं दोस्तों तो चलिए फिर चलें। तो अभी ले रहे हैं कुलचे क्योंकि इनको हल्का खाना बोला है और बोले सब में नींबू डलवाना कि नहीं तुम्हारे वाले में नींबू नहीं डालना मेरे वाले में नींबू डलवाना मेरे भी मत डालना नींबू किसी में भी मत डालना और मिर्ची हल्की भैया तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं लेके छोले कुलचे जलवायु टावर से और दोस्तों देखिए ब्लॉग बनाने के लिए दोस्तों खरीदना पड़ता है कुछ तब ब्लॉग बनता है। नारियल पानी वाला जा चुका है दोस्तों अब हम लोग निकल चुके आगे नहीं और तो गाइस बेगम ने की है जिद कि वापस मोड़ो तो स्कूटर को वापस मोड़ा और हम लोग लेंगे अभी नारियल पानी क्योंकि नारियल पानी बहुत जरूरी है दोस्तों टाइफाइड में तो लेते हैं नारियल पानी वो भी दिल से। गुड़िया के लिए भी ले लो ये लो भी। नहीं बेटा खुले ना 60 रुपये मांग रहे खुले कहाँ से लाऊं पेटीएम भैया से करा लो 60 रुपये पेटीएम कर दे यार अविनाश भैया पेटीएम कर दे कितने का 100 का 60 रुपये का ना तो तुम दो ले लो ना 120 के तो भैया देंगे खुले पैसे भैया काउंट कर रहे हैं मनी देख लीजिए इंडियन करेंसी लो भैया थैंक यू नारियल हमारा ये आ गया हमारा नारियल। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अपने घर की ओर नारियल पानी ले चुके हैं और भैया की कॉल आ गई है शायद भैया देख लो कॉल किसका आया तो ये है दोस्तों जलवायु टावर और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर किसका फोन है भैया नहीं थोड़ा और सुबह निकलने की कोशिश करेंगे कल से यार क्योंकि सुबह का रूटीन बहुत अच्छा है यार सब्जियां भी ले लेंगे नारियल पानी भी ले लेंगे और कुछ नाश्ता पानी भी ले लेंगे तो मिलते हैं दोस्तों सीधा छोले भटूरे खाने के लिए दोस्तों छोले भटूरे नहीं सॉरी छोले कुलचे ब्लॉग बनाना भूल गए हैं भाई आजकल और यहाँ चल रहा है दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है हमारे यहाँ पर ये देखिए तकरीबन दो से ढाई साल हो चुके हैं अभी एक साल का वक्त और लगने वाला है तीन साल वाह लॉकडाउन से पहले का तो ये अब हम एंट्री करेंगे अपनी सोसाइटी के लिए दोस्तों तो ये देखिए कितना मुश्किल काम चल रहा है दोस्तों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का और कल परसों यहाँ से कोई एक बंदा भी नीचे गिर गया था काफ़ी चोट आई उसके तो भगवान से प्रेयर करते हैं कि जल्द अच्छा हो जाए स्वस्थ हो जाए और ये है हमारे कॉर्नर पे जूस की दुकान और यहीं से दोस्तों पहचान होती है हमारे एरिया की और ये देखिए ये कुछ सिगरेट के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे और ये देखिए दोस्तों ऊंची ऊंची इमारतें और ये सामने है हमारी सोसाइटी का गेट तो मिलते हैं दोस्तों सीधे ब्रेकफास्ट पर वो भी दिल से ही। तो गाइस ये देखिए छोले देखिए दोस्तों कुलचे के साथ आपने छोले खाए होंगे पर इस तरीके के छोले आप पहली बार देख रहे होंगे शायद और साथ में है दोस्तों प्याज और मिर्ची दोस्तों कुछ फ्राइड की हुई और ये है कुलचे तो ये है दोस्तों आज का हमारा नाश्ता तो जिस जिसको खाना है दोस्तों छोले कुलचे वो तो या हमारे यहाँ आ जाइए या अपने पास के किसी स्ट्रीट फूड से जाकर दोस्तों लेकर आने पड़ेंगे आपको और खाने पड़ेंगे ये ज़बरदस्त छोले कुलचे तो करें शुरू। वाओ गाइस ग्लास लग चुके हैं किस लिए क्योंकि छोले कुलचे खा चुके हैं ये है नारियल
पानी, और ये है दोस्तों साथ में मिक्स फ्रूट जूस। तो करते हैं सर्व बच्चों को भी और खुद के लिए भी, तो वो भी दिल से। अमन और अमन मॉम पियेंगे जूस, वाह, क्योंकि हम लोगों को नारियल पानी। ये मिक्स फ्रूट जूस है दोस्तों, रियल का, वाकई में रियल जूस है दोस्तों, टेस्टी जूस। ये कैसे पता लगा? जब बीमार पड़े तब पी रहे नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। तो ये ग्लासों में लग चुका है दोस्तों जूस। तो गाइज अब नारियल पानी हमारा आ चुका है, और ये देखिए दोस्तों नारियल पानी पियेंगे गुड़िया और ग्लास निकलेगा, देखते हैं कितना निकलता है। भाई 60 रुपए का दिया है भाई, 60 रुपए में 2 ग्लास तो निकलना तो बनता है भाई, वो भी दिल से। तो गाइज अब लंच की तैयारी शुरू हो चुकी है हमारे घर में, और ये वो फ्रेश सब्जियाँ हैं जो कि अभी हम लोग लेकर आए हैं जलवायु टावर से। ये है गवार की फली, जी हाँ गवार की फली। ये पढ़ी नहीं है शायद, ये शायद पढ़ने लिखने गई नहीं, इसलिए इसका नाम है गवार की फली। और मुझे कुछ याद आ रहा है कि ये तो मेरे फ्रिज के टमाटर है। मुझे याद आ रहा है कि जब ये ट्रे हमने शायद जब ब्लॉगिंग शुरू की थी, ये तीनों ट्रे हमने जब ली थी ना, याद आया। और ये है दोस्तों खीरे, ये कुछ अलग तरीके के खीरे हैं, सीडलेस खीरे हैं, ये जुकीनी कहते हैं, जुकीनी, ये सलाद में काम आते हैं। और ये हरा धनिया, और ये अदरक, ये सबकी फेवरेट, सबकी फेवरेट, लॉकडाउन की सबकी फेवरेट। लॉकडाउन में सबको याद होगा कि सभी ने अदरक बहुत ज्यादा यूज किए। और ये दो हरी मिर्चे, सिर्फ दो हरी मिर्चे क्यों ली गई है पता नहीं, इसका क्या कारण है। ये खूबसूरत दिखती हैं और सब्जी में बड़ी अच्छी लगती हैं, सिर्फ इसलिए। तो दोस्तों आप होगी, बाकी ये डलती हैं सब्जी में, तो जो मिर्च देती हैं वो ये वाली होती है, लेकिन ये सिर्फ रंगत के लिए, तो ये दिखने वाली और ये, अच्छा अच्छा अच्छा, जो तो हाथी के दांत ऊपर से डाली जाती है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, खाने के, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो दोस्तों इसी तरीके से मजाक करते हुए हम लोग सब्जियों की कटिंग करेंगे। हाँ। तो करें शुरू जी, तो कीजिए। पहले क्या काट रहे हैं आप? पहले मैं टमाटर, तो अभी मेरे फ्रिज के ही है जी, तो अभी मैं सबसे पहले फली की तैयारी करूंगी, आप मेरी हेल्प करोगे? बिल्कुल करेंगे भाई, देखते हैं आज ही कैसे फली। चलिए शुरू कीजिए। खीरे रख देते हैं हम साइड में, क्योंकि हमें काटनी है फली, ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ये फली अपनी काटेंगे जी, और आप हमारी हेल्प नहीं कराओगे? बिल्कुल करा रहे हैं ना, कैमरा हाथ में लेके खड़े हैं भाई। अच्छा, बिल्कुल हेल्प करा रहे हैं, ठीक है। तो आज क्या फली बनेगी? फली बनेगी, और सुबह तैयारी शुरू हो गई है दोपहर के खाने की। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे कल के करेले पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए? करेले रखे हैं, क्योंकि तो करेले मेरे फेवरेट है दोस्तों जी। फली आपको पसंद है? नहीं, फली मुझे खा लेंगे बस, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाएंगे। तो ये ग्वार की फलियां अगर ये कच्ची होती हैं तो इनमें साइड में कोई रेशा नहीं होता। अच्छा, लेकिन अगर ये पक जाती है तो यहाँ पर एक रेशा टाइप में होता है, तो इसीलिए हम लोग ये लाए हैं। तो इनको गवार की फली क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि ये स्कूल नहीं गई ना, कॉलेज नहीं गई ना, तो सभी को जाना चाहिए स्कूल, और लेकिन फिर भी सभी को पसंद आती है, टेस्टी बनती है बहुत, बहुत टेस्टी बनती। कौन कौन गवार की फली खाता है जरूर बताइएगा, और आज हमारी गुड़िया हो जाएगी खुश, क्योंकि उसको ये सब्जी नहीं, ये तो अमन को भी बहुत ज्यादा पसंद है, अमन को पसंद है, और इसके साथ मांगेंगे वो बटर वाली रोटी, घी वाली रोटी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और या पराठे। पराठे तो अभी नहीं बनेंगे, जब तक आप की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक पराठे नहीं, सारी रिस्ट्रिक्शन जो हम ही पे लगा दो भाई। तो ये इस तरीके से, ये देखिए, दिखाइए इसका, ये जो ऊपर का कॉर्नर है 1 इंच छोड़ के ये काटना है, लास्ट में से ये काटना है, फिर इसको इस तरीके से छोटे पीसेस किए जाएंगे। मैं दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके के छोटे पीसेस किए जाएंगे। तो ये कम से कम आधे घंटे का काम है, अगर मैं अकेली करती हूँ 10-20 मिनट का, और आप मेरे साथ मिलोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सब्जी की कटाई हो रही है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, वो भी दिल से। तो भाई हमें तो कैंची से काटनी आती है, अब ये डालनी किसमें काट के? इसमें। ये देखिए कैंची से बिल्कुल परफेक्ट कटती है ना, तो ये कैंची मैंने सिर्फ, तो जो मेरा आधे घंटे का काम है वो लगेगा 2 घंटे। क्यों भाई 2 घंटे क्यों लगेगा? देखिए ना कितनी अच्छी कटिंग कर रहे हैं, देखिए ये कॉर्नर काटने के बाद, ये देखिए कितनी जल्दी कट रही है। चाकू से बड़ी दिक्कत होती है भाई, कैंची से काटो, देखिए इस तरीके से काट रहे। तो ज्यादातर जेंट्स हरी मिर्च भी चाकू से ही काट देते हैं, और ये फली कट रही है, ये इतनी सारी फली कितनी देर में कटेगी भगवान जाने। नहीं भगवान क्या जाने, हम बता रहे हैं ना भाई,
भगवान ने तो कहा कैंची लो और काटो, काट रहे हैं भाई। तो चलिए दोस्तों, चलिए फिर मिलजुल के करते हैं तैयारी। तो दोस्तों देखा आपने हमारा आज का डेली रूटीन जो कि हमने चेंज किया और कैसा लगा? आपको दिखाया बाहर का माहौल, सुबह का माहौल और स्ट्रीट फूड और दोस्तों नारियल पानी स्पेशली जो कि हम रुके और लिया हमने दोस्तों, और कुलचे छोले और दोस्तों सब्जियां हरी भरी और पार्क का नज़ारा। तो दोस्तों इसी तरीके से कोशिश की है दोस्तों आज का ब्लॉग बनाने की, अपना डेली रूटीन चेंज करने की। और दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो भी दिल से। दोस्तों ऊपर वाले से दुआ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी हमारी तरह अपनी खुश रहे, खुशहाल रहे, वो भी दिल से। तो दोस्तों जो रेसिपी है यानी कि बीए पास गवार की फली की, वो दोस्तों हम एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बनाते या आपके साथ नहीं बनती, मतलब सभी बनाते, लेकिन उसका खास मकसद हमारा दिखाने का सिर्फ और सिर्फ यही कि हंसी मजाक से अपने फैमिली में बनाई है छोटी मोटी रेसिपी। और जब थकार कर हस्बैंड आते हैं घर पे या बीबी अपना काम कर रही है परेशान हो गई है, तो मिलजुल कर बनाइए बच्चों के लिए रेसिपी। और ये शुरू से ऐसा ही करते हैं, काम से आकर किचन में अपना थोड़ा सा टाइम हंसी मजाक का देते हैं, सब्जियां खुद लाते हैं, बनवाते हैं और बनाते हैं बच्चों के साथ। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो ये पिंक कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है वो बनाया है आज स्पेशल कि अभी मैं गई थी मॉल तो मैंने ये पिंक ड्रेस डाला था, तो साहब ने कहा आज हम ये दोनों तो ये करते रहते हैं ऐसा कुछ कुछ नया। तो दोस्तों अब लेते हैं आपसे इजाजत और नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर आपको दिखेगी हमारी बीए पास गवार की फली, देखना ना भूलिएगा दोस्तों और याद रखिएगा हमें अपनी दुआओं में दोस्तों। तो अच्छा दोस्तों, अगली रेसिपी हमारी होगी गवार की फली की बीए पास, अगले ब्लॉग में आएगी। तो दोस्तों तो अब लेते हैं आपसे इजाजत, शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंजॉय दिल से।